हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज अमित साक्य। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बाइनेंस से P2P के जरिए हम लोग किस तरीके से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना बाइनेंस का अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको डॉलर बाई करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे साथी हमारे बाइनेंस से P2P के ज़रिए नहीं यहाँ पे बाई सेल कर पाते हैं, उनको यहाँ पे डर भी लगता है और वो कभी कभी मिस्टेक भी कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर P2P के ज़रिए हम यहाँ पर किसी भी करेंसी को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे USDT बाई करूँगा। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई करेंसी बाई करनी है तो यहाँ पे आप इसको आगे पीछे करके आप इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे USDT बाई करना है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्रेस मोड यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे कि जो भी इसका यहाँ पे सबसे सस्ता कॉइन, मतलब सबसे सस्ता जिसका भी ट्रेड होगा उसी का हमें यहाँ पर ये दिखा देगा। अगर हम P2P पे जाते हैं तो P2P पे जाके हम यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें सेल करना है अपना USDT P2P के ज़रिए, तो हम यहाँ पे अपना P2P पेमेंट मेथड में सबसे पहले तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, UPI ID ऐड कर लेंगे, जिससे कि वो जो बायर होगा हमसे जो बाई करेगा वो हमें पेमेंट कर सके। तो पेमेंट मेथड में आप अपना अकाउंट वगैरह डाल के आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे बाई। तो यहाँ पे हम ऊपर से एक्सप्रेस मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 14,000 रुपये का यहाँ पे USDT बाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाई विद जीरो फीस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करूँगा। आप IMPS बैंक ट्रांसफ़र दोनों भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि UPI में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी है, बस UPI पे हम सीधा सीधा पेमेंट कर देंगे। चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंफर्म परचेज पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म परचेज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ये जो सेलर है इससे हमें चैट पे बात करनी है कि ये ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, इसको हम चैट पे यहाँ पे मैसेज डाल देंगे। इसका मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको हाय भेज देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इससे पूछ लेता हूँ, आर यू ऑनलाइन। तो ये जैसे ही मुझे रिप्लाई करता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे जाएंगे। और मेक पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे इसका UPI ID है, ये मैंने हाइड कर रखा है तो आपको दिखेगा नहीं। इस UPI ID को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे हमें वापस से आना है और ट्रांसफर्ड नोटिफाई, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई हैव ट्रांसफर्ड। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल है तो आपको करना है आई हैव ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये जैसे ही आप कर देंगे तो उसके पास एसेट रिलीज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और वो आपका एसेट रिलीज कर देगा और आपका जो पेमेंट है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चैट पे तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोई नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं कि इनका चैट पे कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ऊपर टाइमर भी दिख रहा है कि इस टाइम के अंदर अंदर हमें यहाँ पे नीचे जो ट्रांसफर नोटिफाई सेलर है इसको क्लिक करना है, नहीं तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इस टाइमर का ध्यान रखना होता है। ये जो टाइमर यहाँ पे 13 मिनट का दिख रहा है, इस टाइमर के अंदर ही हमें पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद नीचे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है। अगर ये हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है सक्सेसफुली किसी भी रीजन से, तो हम यहाँ पे बैक आके ये जो कैंसिल वाला बटन है इस पर पेमेंट यहाँ पर हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। अभी यहाँ पर उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पेमेंट कर देते हैं। अभी हमने डाल दिया, अब UPI हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो हम अपने Paytm पे आएंगे। Paytm पे आने के बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाके यहाँ पे ऊपर हम डाल देते हैं
का मोबाइल नंबर है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद उनका यहाँ पे नेम आ जाएगा। नेम आप एक बार ज़रूर देखिए कि इजेक्ट नेम आना चाहिए जो यूपीआई में आ रहा है। तो वैभव रावत यहाँ पे इनका नाम है और जो कि इजेक्ट है। अब मैं यहाँ पे सेम इजेक्ट अमाउंट जितने का मैं बाई कर रहा हूँ उतना अमाउंट डाल के मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अभी यहाँ पे जाके आप इनको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है और हमने पेमेंट कर दिया है। अभी उनको मैसेज भी चला गया होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी है कि हमने इसको नोटिफाई कर दिया है कि हमने आपको पेमेंट कर दिया है। अभी हम चाहें तो चैट पे इसको मैसेज भी डाल सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल या फिर चेक पेमेंट एंड रिलीज एसेट। ठीक है, अभी जैसे ये कंफर्म करेंगे पेमेंट इनके पास आ चुका होगा, ये एसेट को रिलीज कर देंगे और हमारा जो P2P का ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम हम लोग वेट किया हमने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो डॉलर हैं वो ऑर्डर उन्होंने कंप्लीट कर दिया है और इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से 5 मिनट के अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें सेल करना है। सेल जब हम करेंगे तो सेल करने पे हमें क्या करना है कि हमें जो ऑर्डर हमने लगाया हुआ है जितने भी डॉलर को हमने सेल करने का ऑर्डर लगाया वो पेमेंट हमें चेक करनी है अपने अकाउंट में। जब भी हम ऑर्डर लगाएंगे तो हमें अपने अकाउंट में पेमेंट चेक कर लेनी है कि हाँ उतना पेमेंट आ चुका है। और अगर पेमेंट आ चुका है तो आप उनके एसेट को वहाँ पर रिलीज करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो रिलीज कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।